चैप्टर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर, यहाँ से एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करवाने जा रही हूँ बच्चों। बोर्ड में आपका जो इस टॉपिक से रिलेटेड आज के सेशन में जो मैं आपको कवर करवा रही हूँ, वहाँ से आप कन्फर्म मान के चलिए कि आपका 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाना है। और जो आज का टॉपिक है बच्चों, उसमें हम कवर करेंगे 2 नेम रिएक्शन, 1 इज कोल रिएक्शन एंड सेकेंड 1 इज रिमन डिमन रिएक्शन। तो बोथ आर नेम रिएक्शन जिसमें हमें आपका क्या करना है, आपका फिनॉल को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो दोनों रिएक्शन को आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं, क्या आपका मेन प्रोडक्ट है, किस तरह से आपके कितने स्टेप में कवर होती हैं। और आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और आफ्टर दैट आपने क्या करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है, आपने इसको 2-3 बार खुद से लिख के देखना है। और आपको ये जो टॉपिक है मैंने कह दिया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स में कंफर्म क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, जो हर साल आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखें। तो रिमन डिमन और कोल रिएक्शन ऐसी नेम रिएक्शंस हैं जो आपकी पूछी ही जाती हैं। अगर डायरेक्ट आपका शॉर्ट नोट आ जाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ से क्या आता है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिलिकहाइड, इस तरह से कन्वर्जन बेस्ड आपका क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और बहुत ईजी वे में आप क्या कर सकते हैं, इसको लर्न कर सकते हैं। आई होप आप ये सेशन आज पूरा सुनेंगे और आप इससे जो आपके बोर्ड में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं उनकी आप ढंग से प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आज का बच्चों सबसे पहले आपका जो टॉपिक है वो है आपका नेम रिएक्शन है बच्चों। नेम रिएक्शन, कौन सी 2 नेम रिएक्शन की हम बात करेंगे बच्चों आज, एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स में आपकी 2 नेम रिएक्शन है। 1 इज कोल्स रिएक्शन, कोल रिएक्शन में हम क्या सीखेंगे, फिनॉल को फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड बनाना सीखेंगे। एंड सेकेंड रिएक्शन है बच्चों आपकी रिमन टिमन रिएक्शन। इसमें भी हम जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स है फिनॉल सेम है एज कोल रिएक्शन, फिनॉल से हम यहाँ पे सैलिसिलिकहाइड में कन्वर्ट करना फिनॉल को डिस्कस करें, ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैंने कहा आपको जो 2 नेम रिएक्शन है, कोल रिएक्शन और रिमन टिमन, किस तरह से लर्न करनी है। कोल रिएक्शन नाम आते ही आपके माइंड में ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि कोल रिएक्शन इज यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड एंड रिमन टिमन रिएक्शन इज यूजफुल फॉर कन्वर्टिंग फिनॉल टू सैलिसिलिकहाइड, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आपको किसी भी रिएक्शन के क्लियर आपके माइंड में स्ट्राइक हो जानी चाहिए तुरंत उस टॉपिक को पढ़ते ही, ठीक है। अब आपका सैलिसिलिक एसिड और आपका सैलिसिलिकहाइड, ये क्या है बच्चों, उनकी कॉमन नेम है। सैलिसिलिक एसिड का आईकेसी अगर आपसे पूछा जाता है तो 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड एंड सैलिसिलिकहाइड इज 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्लियर। सेकेंड आपको क्या ध्यान रखना है, बोथ रिएक्शन कोल रिएक्शन एंड रिमन टिमन रिएक्शन क्या आपकी फिनॉल से स्टार्ट होती हैं। रिएक्टेंट आपको मालूम है, रिएक्टेंट कोल में सैलिसिलिक एसिड बनेगा, रिमन टिमन में आपका फिनॉल से सैलिसिलिकहाइड बनेगा। और बोथ रिएक्शन आपकी 3 स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, दैट मीन्स आपके 3 स्टेप के बाद आपका प्रोडक्ट जो फिनॉल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। लेट्स सी हाउ। आपका सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कोल्स रिएक्शन की। कोल्स रिएक्शन 3 स्टेप रिएक्शन ध्यान रखेंगे आप कि 3 स्टेप में होना है। फिनॉल क्या है बच्चों आपका, बेंजीन रिंग OH, दिस इज फिनॉल C6H5OH, ठीक। फर्स्ट स्टेप में हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखेंगे बच्चों व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद एनी टाइप ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव कंपाउंड, ठीक है, तो आपका क्या फॉर्म होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, पैरा पोजीशन में क्या करेगा, रिप्लेसमेंट करेगा होल कंपाउंड का, बनाएगा सोडियम फिनॉक्साइड कंपाउंड जिसका आपका फॉर्मूला है बेंजीनिन ONA, इसे बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, क्लियर। कभी भी आपका NaOH बेंजीन के किसी भी डेरिवेटिव के ऊपर रिएक्शन करेगा तो ये कंपाउंड आपका इंटरमीडिएट आता ही आता है,
ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में हम रिएक्शन करेंगे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड की एट 400 केल्विन टेम्परेचर एंड 4 to 7 एटीएम प्रेशर। इस तरह से अटैचमेंट होगा सेकेंड उसमें, और तो पोजीशन जो है आपकी वैलिन की वो एक्टिव होगी। यहां से एन क्या होगा, शिफ्ट होगा ऑर्थो पे, यहां से रिप्लेस होगा एच, तभी आपका यहाँ पे अटैचमेंट होगा सीओओ का। सीओ टू जो रिएक्ट कर रहा है वो कहां पे जुड़ेगा बच्चों, ऑर्थो पोजीशन पे, सीओओ। यहां से हटा हाइड्रोजन, मालूम है आपको जब हाइड्रोजन मूव होगा वहां से तभी आपका सीओ टू वहां पे अटैच होगा। अब वो एच कहां गया, एच आ जाएगा सोडियम की पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे, और आपका जो सोडियम फर्स्ट पोजीशन में था वो आ जाएगा बच्चों आपका ऑर्थो पोजीशन में। क्लियर? तो ये आपका क्या बनेगा, कंपाउंड बनेगा। एंड फाइनली थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करवाएंगे इस कंपाउंड का, ठीक है। और आपका ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों इसमें प्रोडक्ट में OH और COOH। क्लियर? दिस इज सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। और आईपीएससी क्या है बच्चों इसका, अभी मैंने बताया था 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। क्लियर? तो इस तरह से लर्न करना है। कोल्ब रिएक्शन आपने एग्जाम में देखा, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड आपका इसमें कन्वर्जन होगा, सैलिसिलिक एसिड इज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आती, मैंने बोला ये पूछा जा सकता है हाउ विल यू कन्वर्ट फिनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो जहां पे भी आप इस तरह का आप क्या देखें, आप रिलेशनशिप देखें, तो तुरंत आपके माइंड में कोल्स रिएक्शन आ जानी चाहिए। फिर कोल्ब रिएक्शन 3 स्टेप में कन्वर्ट होगी। फर्स्ट में आप NaOH की रिएक्शन कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड कभी भी रिएक्शन करेगा बेंजीन के डेरिवेटिव पे सोडियम फिनोक्साइड बनना है। देन वी एड CO2 एट 400 केल्विन टू 4 to 7 एटीएम प्रेशर, देन सोडियम फिनोक्साइड कन्वर्टेड टू दिस कंपाउंड, और तो पोजीशन आपकी एक्टिव होगी COO, कार्बन डाइऑक्साइड आपका इस पोजीशन पे आएगा, आपका सोडियम मूव करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, और यहां से जो हाइड्रोजन मूव किया वो फर्स्ट पोजीशन पे आपका इस तरह से इस कंपाउंड को डेराइव करेगा। फाइनली हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे इस कंपाउंड का। आपका जो थर्ड स्टेप है, रिजल्टिंग स्टेप, आपका सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा या 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड में आपका फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट इज रिमर टीमन रिएक्शन, रिमर टीमन रिएक्शन। सेम एज फोर रिएक्शन, आपको जैसे ही आपने नेम रिएक्शन देखी आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिलडिहाइड, देन फिनॉल इज कन्वर्टेड टू सैलिसिलिलडिहाइड, देन वी यूज रिमर-टीमर रिएक्शन, ठीक है। सैलिसिलिलडिहाइड आएगा आपका, 3 स्टेप की रिएक्शन है फिर आपकी, ठीक है। तो फिनॉल से आपका किस तरह से कन्वर्ट होना है, फर्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है आपका, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है बच्चों आपका, हम क्लोरोफॉर्म CHCl3 इज क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH की रिएक्शन करवाएंगे एट 400 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। आपका फर्स्ट स्टेप में फिनॉल, देन फिनॉल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन फिनॉल इज कन्वर्टेड टू इंटरमीडिएट कंपाउंड, क्या बनेगा आपका, मालूम है आपका NaOH ने बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर रिएक्शन की, ऑर्थो पोजीशन से रिप्लेसमेंट होगा होल कंपाउंड का, फॉर्मेशन होगी आपकी सोडियम फिनॉक्साइड की, दैट मीन्स ON। ऑलराइट? क्लोरोफॉर्म आपका रिएक्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, यहां पे आपका क्लोरोफॉर्म जुड़ेगा CHCl2 के फॉर्म, ठीक है। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3, ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ेगा CHCl2, 1Cl एंड 1H रिप्लेस होंगे, दैट मीन्स माइनस हो रहा है आपका HCl। एच कहां से आया, ऑर्थो पोजीशन से, Cl कहां से आया, क्लोरोफॉर्म से, तो माइनस HCl। ऑलराइट? ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दैट मीन्स अनस्टेबल कंपाउंड है। थोड़ी देर बाद ये क्या होगा, आपका चेंज होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोलेंगे इसे, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन करवा रहे थे उसको कंटिन्यू रखेंगे जब तक आपका ऑर्थो पोजीशन पे क्या नहीं आ जाता बच्चों, यहाँ पे आपका ONa एज इट इज रहेगा, ऑर्थो पोजीशन चेंज होगी आपकी CHO में। सेकेंड स्टेप में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराई, पैरा पोजीशन पे सोडियम फिनॉक्साइड एज इट इज रहेगा, ऑर्थो पोजीशन पे जो CHCl2 ग्रुप था वो चेंज हो जाएगा CHO, ठीक है। फाइनली हम क्या कराएंगे, हाइड्रोनियम आयन दैट मीन्स H3O पॉजिटिव की रिएक्शन करवाएंगे,
रिजल्टिंग कंपाउंड फॉर्म होगा बेंजीन रिंग पे ओ एच यहाँ आ जाएगा और ऑर्थो पे आपका सी एच ओ ऑलरेडी है. तो दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सैलिसिलिल्डिहाइड. सैलिसिलिल्डिहाइड और इसका आईपीएस अगर पूछा जाता है तो आपका क्या है, टू हाइड्रोक्सी बेंजाइडिहाइड. राइट, तो आपका इजिली ये क्या हो सकते हैं, आपकी ये टू रिएक्शन हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका एल्कोहल फिनॉल ईथर में से. आपका ऑर्गेनिक में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपका मैं बोलूंगी कंप्लीट 5 मार्क्स में आए. ऑर्गेनिक के अगर आपने 20 राउंड ऑफ 20 मार्क्स अगर कवर करने हैं तो 1-2-1-2 करके ही आपको कवर करने पड़ेंगे. और एल्कोहल फिनॉल ईथर में से जो आपका सेकेंड चैप्टर है वहां से इससे आपका कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, बस आपको आइडेंटिफाई करना है. तो उसके लिए मैंने कहा आपको इजीली जान होगा कि कोल रिएक्शन आते ही आपको फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड याद आ जाना चाहिए. रिमर डिमर आपका फिनॉल टू सैलिसिलिकडिहाइड है. बोथ रिएक्शन आर 3-स्टेप रिएक्शंस. आपको ध्यान क्या रखना है कि फर्स्ट स्टेप में किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, सेकेंड स्टेप में किसकी रिएक्शन करा रहे हैं, देन हम थर्ड स्टेप में क्या रिएक्शन करा रहे हैं. ठीक है, अदरवाइज आपको इजीली आपको दोनों रिएक्शन क्या हो जाएंगी, लर्न हो जाएंगे. तो इस वीडियो को बच्चों एक दो बार देखिए और उसके बाद आप कोशिश करिए करने की, आपको 101% ये आपका टॉपिक आपका आज का क्लियर हो जाएगा. तो फिनॉल को NaOH की रिएक्शन कराई मैंने, बोला कभी भी बेंजीन डेरिवेटिव के ऊपर रिएक्शन कराओगे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, देन CO2 की रिएक्शन कराना है किस तरह से आपका इंटरचेंज हो रहा है और फिर फाइनली एसिडिफिकेशन का आपका प्रोडक्ट बनेगा. सेम एज आपका रिमेटिमन में भी आपका फिनॉल को क्लोरोफॉर्म एंड NaOH की रिएक्शन जो फर्स्ट स्टेप में हो रही है -HCl हो रहा है, इंटरमीडिएट बन रहा है, देन वी फॉरवर्ड NaOH अगेन सेकेंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, कंपाउंड कन्वर्ट होगा इंटरमीडिएट, ऑर्थो पोजीशन पे CHO आ जाएगा और पैरा पोजीशन आपका सोडियम फिनॉक्साइड आपका रहेगा वहां पे. और फाइनली हम H3O पॉजिटिव की रिएक्शन अगर कराएं तो आपका रिमेटिमन का जो मेन प्रोडक्ट है सैलिसिलिकडिहाइड वो हमें मिल जाता है. ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो आज का पसंद आया होगा और आप इस टॉपिक को क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और बोर्ड के लिए इसको क्या करेंगे, सिक्योर करेंगे कि यहां से अगर आपका किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको कवर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.